चलिए श्रृंगार सजा ओ बोरम बारान सजी रंभा देखिए अरे चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कहीं ना जाए मृग जैसे ने ना जा कोई हिरनी सरवा वो रंभा चली ये रंभा सुख दे बजी रहे ते सोई खोल दे की बार ने कभी तरह कुले ले मोई इतर में पठाई ने तो भोगे वो को आई जो शब्द सुने तो सुखदेव रंभा से बोले रंभा पागल है अरे बुद्धि खराब है तेरी रंभा मेरी बात सुन ले बोले सुखदेव तू तो धर्म की लागे मां और दे देंगे असराप भस्म हो जावे वो तेरो से उत्तर दिया रम्मा पागल हो अरे तुम हमारी धर्म की मां हो मैं तेरे बच्चे जैसा मां और इस बच्चे का रिश्ता है हमारा तेरा अगर तेरे दिल में ये गलत विचार आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो श्राप का नाम सुन के रम्मा डरी गई और ये पीछे वापस लौटी गई और सुखदेव की तपस्या सफल भई महा। अब देखिए सुखदेव की तपस्या तो पूर्ण भई तपस्या सफल हो गई लेकिन तपस्या सफल होने के बाद में भी सुखदेव को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं भई स्वर्ग नहीं मिला क्यों स्वर्ग नहीं मिला सुखदेव को बोले सुखदेव को स्वर्ग इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता बिन गुरु भवन दे तरे न कोई और चाहे बिरंच शंकर सम हो तुम तपस्या करो और तपस्या करके शंकर जी के बराबर बैठने के लायक क्यों ना बन जाओ अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता जीवन में हर आदमी को अपना गुरु बनाना अति आवश्यक हुआ करता है चाहे वो उम्र में छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो गुरु गुरु होता है गुरु उभे लोक का नाता है जो चेला को राह बताता है जिस चेला का गुरु ही न रहा अब वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है गुरु बहुत जरूरी है जैसे कहावत में लोग कह भी देते हैं पानी पिए छान के गुरु करे जान पुरानी कहावत पानी पिए छान के गुरु करे जान एक दिन बुद्धि में आया सोचने वाली बात है ये पानी कभी छानने से पवित्र नहीं होता पानी छानने से साफ नहीं होता सोचो पानी भर के ला घरे रख जा बाहर निकल जा कुत्ता आए बाम पेशाब कर जाए तुम भाई छान ले और पी जाओ कब छने हो नहीं पानी पिए जान ये पानी पीने के